खबर दो मेरे बच्चे भाग लगा। कौन? जमुना भाभी? क्या बात है? गोकुल भैया, गोकुल भैया सुनो तो। भाई लागू चौधरी, जेल से छूट कर आ गए जग्गू? हाँ चौधरी, मगर अब इस गांव में क्या रखा है तुम्हारे लिए? क्यों, मेरा घर है इस गांव में, मेरी बीवी पार्वती है, मेरा बच्चा है राजा। राजा किसकी बीवी किसका बेटा? दुनिया वालों के तानों से तंग आकर वो बेचारे गांव छोड़ के चले गए। मगर क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि पार्वती तुम्हारी बुराइयों का साया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। मगर चौधरी जी, भगवान जानता है इस दफा तो मैं निर्दोष सजा भुगत कर आया हूँ। भगवान तो जानता है पर दुनिया नहीं मानती। दुनिया नहीं मानती तो दुनिया न माने। जब तुम जग में आए थे, जग हसमुख तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हसमुख जग रो। सकता है कांटों से भी फूल की खुशबू आए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। हो सकता है सागर भी मीठा पानी बन जाए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। दुनिया चंद लकीरें खींचे और चलती जाए, ना माने कभी किसी की, बस अपनी ही मनवाए। हो सकता है बात पते की पागल भी कह जाए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। गिरते को सबने देखा पर किसने दिया सहारा, चमके तो तारा माने और टूटे को अंगारा। हो सकता है अंगारा एक दिन शबनम बन जाए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। हो सकता है कांटों से भी फूल की खुशबू आए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। हो सकता है सागर भी मीठा पानी बन जाए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। गुड नाइट सर। आइए बिहारी बाबू, तशरीफ लाइए। आज तो बहुत देर कर दी, मैं तो समझी थी कि शायद तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आता? मगर ये घुंघरू तुम क्यों उतार रही हो? बहुत थक गए हैं मेरे घुंघरू। अभी से? अभी तो रात में अंगड़ाई भी नहीं ली है, ये घुंघरू तो सुबह तक बाजेंगे। नाचो। जो मेरे राजा का। राजा, ले जा अपने राजा को भी, काम के ना काज के, अधाई मन अनाज के, नाक में दम कर रखा है तुम्हारे बेटों ने मेरे। आधी रात को मैं उसे लेके कहाँ जाऊँ? चूल्हे में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा लाडला। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है।
चोट तो नहीं आई मेरे नाल? नहीं माँ, मगर हम जाएंगे कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए, दुनिया बहुत बड़ी है मेरे नाल। सच बता, रात पूरी क्या खाया? हाँ, मैंने मुर्गी की टांग खाई। ये मुंह में मुर्गी की टांग खाई। सलाम बॉस। गुड इवनिंग, तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार बॉस। और मोटर कार? कार भी तैयार है बॉस, 8 गैलन पेट्रोल काफी है ना? बहुत काफी है। मदन कहाँ है? वो नहीं आया। नहीं आया? ये कोई नई बात थोड़ी है, बैठा होगा किसी शराब खाने में। मुझे उसकी यही बात अच्छी नहीं लगती, जब देखो वो काम के मौके पर गैर हाजिर हो जाता है। ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, मगर क्या करूं सारा कसूर इसका। छुट्टी नहीं है ये, जालम मुझसे लगी हुई। मदर, चले जाओ यहाँ से। अगर एक बोतल और मिल जाए तो मैं सीधा जा सकता हूँ और राज्य कर सकती हूँ। बको मत, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी एक बीवी और एक छोटी सी बच्ची। और बच्ची को हमारे 4 बरस और बीवी का नाम है नीरा। बस मैं जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह समझ। मदन, अगर तुम में इतनी समझ होती तो इस तरह उनका पेट काट कर सारा दिन शराब की बोतलों में गर्क न रहते। अगर मुझे तुम्हारी बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी का तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल चुका। अच्छा जी, तो बहुत ख्याल रखते हैं आप मेरी बीवी का। अच्छा, बहुत खूबसूरत है ना वो? मदन, पहुंचा दो। बहुत अच्छा मालिक, ये तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। खत्म हो गया? मुझे भूख लगी है। आज रात होने को आई, थोड़े से चने खा ले। माँ तुम भी खाओ ना। तूने खा लिया तो मेरा पेट अपने आप भर जाएगा बेटा। मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। कोई भारी उस औरत को, हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। बहुत अच्छे होते। क्या नाम है तुम्हारे बेटे? राजा। राजा, बहुत अच्छा नाम है। ये कौन है तुम्हारी? मेरी माँ। तुम्हारे घर कहाँ है बेटे? घर कहीं नहीं। क्या हुआ था तुम्हारी माँ को? मेरी माँ मोटर नीचे आ गई। राजा, अरे राजा, माँ मेरी आंखों के तारे, मेरे दिल के तार, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? राम कसम, क्या हो गया है मेरी बहन को? ए, कौन हो तुम? एक दुखियार किस्मत का मर, इकलौती बहन का इकलौता भाई, भाई की हालत कितनी घबराता और बहन की हालत देख कर कलेजा मुकराता है इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है तुम्हारा? सुंदर मुखराम। क्या काम करते हो? मानिक चौक की एक तंग गली में कबाड़िए की दुकान है सर का। ये औरत तुम्हारी बहन थी? बहन? राम कसम, एक ही तो सगी बहन थी इस दुनिया भर में।
और उसकी एक लौकी संतान मेरा भांजा, मैं तो दिन दहाड़ा लुट गया इंस्पेक्टर साहब। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सिपाही, लाश को हॉस्पिटल पहुंचा दो। चलिए चलो चलो अपना काम कर। क्या देखता है, चल। लाया। किसने कहा था तुमसे चाय लाने के लिए? ले जाओ। मालिक, सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहां से। नमस्ते गंगू दादा। नमस्ते बेटा, जीती रहो। अरे सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? चाचा जी से मिलने आई हूँ। कहाँ है चाचा? अरे बेटा सुन तो। अरे नहीं बेटा नहीं, अभी तुम्हारे चाचा जी सो रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं अभी जाके जगा लेती हूँ। इस वक्त तुम नहीं मिल सकती, जाओ फिर आना तुम। चलो। मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ, मुझे चाचा जी से बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? वो क्यों बताऊँ तुम्हें, कि मेरे पिताजी रात भर से घर नहीं आए हैं और माँ रो रो के जान दे रही है, मुझे जाने दो नहीं तुम्हें। कौन है गंगू? मदन बाबू की बेटी है मालिक। मदन बाबू की बेटी आई है मालिक? कहो रानी आई है? रानी, चाचा जी सो रहे हैं, झूठे कहीं के। कौन झूठा है रानी बेटी? ये गंगू दादा। अच्छा बेटा अच्छा, इसे माफ कर दो। तुम बेटे कैसी आई हो? आपको बुलाने के लिए। किसने बुलाया है? माँ ने भेजा है मुझे। माँ ने बुलाया है। चाचा जी क्या हो गया आपको? चाचा जी क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा। तो चलो ना मेरे साथ, चलो ना। पिताजी रात से घर नहीं आए हैं और माँ रो रो के जान दे रही है, चलो ना, चलो ना। बेटे तुम जाओ, मैं शाम को जरूर आऊंगा। देखो बेटे, रानी बेटी तुम तो बड़ी अच्छी लड़की हो ना। देखो बेटे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, हमारा कहा मानते हैं। देखो बेटा, ये हम तुम्हारे लिए गुड़िया लाए हैं, देखो कितनी अच्छी गुड़िया है, इससे तुम खेलोगी ना। चलो गंगू, मेरे बेटे को घर पे छोड़ दिया। जाओ बेटे जाओ। चाचा हाँ, ये गुड़िया तो बड़ी अच्छी है। हाँ? मैं इसका नाम बिमला रखूंगी। चाचा जी शाम को जरूर आइएगा। मैं अपनी बेटी का ध्यान रखूं कि तुम्हारे काम की बात सुने? बताओ क्या
पास रखो, जब मैं आऊंगी तब इसे काजल लगाऊंगी। चल बिमला, तू माँ के पास सो जा। हाँ, रोती है तू, रो बैठ कर, कुछ काम भी नहीं करने देती, जैसे मैं तेरे बाप की नौकर हूँ। जाती हूँ माँ। कौन रानी? मैं हूँ भाभी, लो पानी पी लो। आप? हाँ पानी पी लो। रानी कहाँ है? मैंने उसे गंगों के साथ भेज दिया। कैसी है आपकी तबीयत? मैं किसी डॉक्टर को बुला दूँ? जब ये कहती है तो वो चलेगा कैसे? ऐसी बातें ना करो भाभी, तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। झूठी तसल्लियों पर कब तक जीऊंगी भैया? अच्छा हो गया आप आ गए। मेरे जाने के बाद रानी के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। भाभी अब तुम आराम करो। आराम तो जिंदगी भर मेरी किस्मत में नहीं था, मगर इस आखिरी समय पर और वहम बैठ गया है मेरे दिल में। वहम? कैसा वहम? मैंने हमेशा पति की सेवा को अपना धर्म समझा और उनकी पूजा को अपना सौभाग्य। फिर वो कौन सी वजह है जिसकी बदौलत उन्होंने खुदकुशी कर ली? जो होना था सो हो गया, अब ये वहम दिल से निकाल दो भाभी। और जब तक ये वहम दूर नहीं होगा मैं आराम से मर भी नहीं सकती। मैंने जरूर कोई भूल की होगी जिसकी सजा पा रही हूँ। तुमने कोई भूल नहीं की। कभी कभी इंसान को दूसरों की भूल की सजा भुगतनी पड़ती। शायद आप चुप क्यों हो गए? कहिए ना। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो तुम सुन न सकोगी भाभी, मेरे मुंह पर थूक दोगी। नहीं नहीं, मैं जरूर सुनूंगी, कहिए, आपको मेरी सौगंध है। मदन ने खुदकुशी नहीं की। खुदकुशी नहीं की? हाँ, मैंने उसका खून किया। खून? आप? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे झूठी तसल्ली देना चाहते हैं? नहीं, खूनी, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। चले जाओ, चले जाओ, मैं जाओ, चले जाओ। नीरा भाई यहाँ रहती हैं? जी, मगर वो इस वक्त बीमार है। मेरा मिलना बहुत जरूरी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छा, नीरा भाई आपका नाम है? मैं आपके पति के बारे में आपसे अकेले में कुछ पूछना चाहता हूँ। आपको जो कुछ पूछना है इनके सामने ही पूछिए। ये मेरे भैया है। ठीक है, पुलिस को खबर मिली है कि आपके पति ने खुदकुशी नहीं की, किसी दुश्मन ने उनका खून किया है। दुश्मन? हाँ, पुलिस खूनी की तलाश में है, मगर अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या आपके पति की किसी से दुश्मनी थी और आपको किसी पे शक है? मुझे अपने आप पर शक है इंस्पेक्टर साहब।
पिता ने जरूर खुदकुशी की है। लेकिन उसके लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए नीरा भाई। क्या इस घर की हालत काफी वजह नहीं है? गरीबी इंसान को पागल बना देती है। वो मुझसे झगड़ कर गए थे उस दिन। अगर आपका यही ख्याल है तो इस पर दस्तखत कर दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो आपको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। हाबी, तुम औरत नहीं देवी हो। मैं एक पत्थर दिल इंसान हूं। जिंदगी भर लूट मार की है, डाके डाले खून की, मगर एक बार भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन आज आज आपकी आंखों में आंसू आ गए। आज आपकी सोई हुई इंसानियत जागी है भैया। नहीं, आज मुझे अपने आप से नफरत हो गई। ये नफरत नहीं, जागृति है। जीवन का असली भेद पाया है आपने। अपने लिए जीना भी कोई जीना है, दूसरों के लिए जीने वाला इंसान ही इंसान कहलाता है। बिहारी बाबू, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ भाभी कि आज के बाद मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीऊंगी। अपनी बुराइयों का एक साया भी तुम्हारी रानी पर नहीं पड़ेगा। मैं घबरा ही रही भैया, रानी को ले आइए। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मगर जाइए ना, आप बड़े डरपोक हैं। आपके आने तक मैं मरूंगी नहीं भैया, जाइए। दुनिया हमारे
कल भी तो मीठी कहानी और बिजली भी है सरकारी धिड़क 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 नल भी तो मीठी कहानी और बिजली भी है सरकारी हमसे बढ़कर गोरों को भी जान हमारी है प्यारी इसीलिए तो हम कहते हैं दुनिया हमारे बाप की है बैंगन बैंगन तड़ी तड़ैंगन दुनिया हमारे बाप की है ओ मिस्टर जी और लाला जी ये न समझना आप की है बैंगन बैंगन तड़ी तड़ैंगन दुनिया हमारे बाप की है बैंगन बैंगन तड़ी तड़ैंगन दुनिया हमारे बाप की है मालिक जब से रानी इस घर में आई है आप सुबह से शाम तक उसी के ध्यान में मगन रहते हैं अब वही तो मेरी जिंदगी की रोशनी है गंगू मैं अपनी बुराइयों का साया इस फूल पर नहीं पड़ने दूंगा कमल का फूल भी तो गंदे पानी में खिलता है मालिक मगर पहुंचता है मंदिर में मैं जिंदगी भर इसे इस बात का पता भी नहीं होने दूंगा कि मैं इसका बाप नहीं इसलिए मैंने ये शहर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। शहर छोड़ने का? हाँ गंगू। अब हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। गाड़ी साफ कर दो साहब। हाँ क्या? बार नंबर साथ आया जरूर चक्कर में कोई खराबी है। हमारे चक्कर में नहीं तुम्हारी नियत में खराबी है लगा लो 200 रुपए इस दफे तो दो पैसे भी नहीं मिलेंगे क्या मतलब ये कि अब और खेल नहीं होगा खेल क्या जहन्नम में सीधी तरह से मेरा रुपए दे दो वरना बैठ जा जा जैसे बहुत से आए और चले गए पर ये अपना चक्कर चलता रहा और चलता रहेगा मगर अब नहीं चलेगा अपने आप को क्या समझता है कुछ नहीं मोहन राजा अरे यार तू तो बड़ा अच्छा खासा मोटा ताजा हो गया है फिक्री का खाता हूँ अच्छा ये तो बता सुंदर चाचा की क्या जेल में चुपके पीस रहा है पर तुम कहाँ रहते हो मैं तो बड़ी अच्छी जगह पर रहता हूँ कहाँ रहते हो बताओ बताओ ना जमीन के ऊपर और नीले आसमान के नीचे वेरी गुड समझा समझदार
बल्ला क्या गाती हो, क्या नाचती हो, मगर घुंघरू क्यों उतारने शुरू कर दिए? अभी तो रंग आने लगा था महफिल में। बहुत थक गई है मेरी बेटी, नाचते नाचते बेचारी के पांव भी दुखने लग गए। मालूम होता है फरमाइश कबूल हो गई हमारी। फरमाइश तो अब कल ही कबूल होगी नीम जी, आज का वक्त तो खत्म हो गया। वक्त तो अभी शुरू हुआ है अम्मा, अभी तो रात ने अंगड़ाई भी नहीं ली। हाँ अगर कंचन कहे तो मैं अभी चला जाता हूँ। आए हाय कहाँ चले जाते हो बेटा, अरे ये दरवाजा तो तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला है। अच्छा तो हकीम साहब तस्लीम कल जरूर आइएगा। अरुण जी आपको तो नींद आ रही होगी, कोई टांगा टैक्सी मंगवा दूं? नहीं नहीं हम चले जाते। लो बेटा जब पानी तो पेश कर दो। अजय हमें कौन पूछता है इस घर में, कल से तो पान खातिर ही आया करें। छूटे गए शौक फरमाइए। शौक? शौक तो सिर्फ गाना सुनने का है जो यहाँ खींच कर लाता है। पान तो बाजार में भी बहुत मिलते हैं। खा लीजिए ना, वो शौक भी पूरा हो जाएगा। तुम कहो तो जहर भी खा लो। अनाड़ी जादे 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 अनाड़ी बलमा, जादे 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 अनाड़ी बलमा। चीत तेरी देखी हुई दिल तेरा देखा जा, झूठे जहान के जादे 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 अनाड़ी बलमा। जादे 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 जा 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 जा
तेरी देखी हुई दिल तेरा देखा जा झूठे जहान के जारी 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 जी नहीं। क्यों? मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ले लो। नहीं। अच्छी बात है, चलो अम्मा तुम ही निकाल लो। नहीं, हम इस तरह पैसे नहीं लिया करते। बिहारी बाबू। बिहारी बाबू, तुम इस आदमी को जानते हो अम्मा? इस आदमी को कौन नहीं जानता, सारा शहर डरता था इसकी गुंडागर्दी से। 15 बरस पहले रोज आया करता था मेरे यहाँ गाने सुनने। मगर आप कहाँ हैं अम्मा? ये तो नहीं जानती, सुना है एक यतीम बच्ची को अपनी बेटी बनाकर हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। कहाँ चला गया अम्मा? लोग कहते हैं कि बम्बई की तरफ गया। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसो स्वरभू। ओम शांति 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 शांति। लीजिए मालिक, दूध पी लीजिए। रानी बिटिया ने चाय पी ली गंगू? अभी तो 9 ही बजे हैं मालिक, हमारी रानी बिटिया तो 10 बजे सोकर उठती है। मगर आज उसकी सहेली दिल्ली से आने वाली है, उसे जल्दी जगा दो। नहीं नहीं मालिक, मुझसे ये नहीं होगा। अगर उसे कच्ची नींद में जगा दिया तो मेरी मरम्मत हो जाएगी। नहीं नहीं, वो तुम पर नाराज नहीं होगी, आखिर उसे भी तो स्टेशन पर जाना है, जाओ उसे जगा दो। जी मालिक, पहले उसके लिए चाय बना लूं फिर जगाता हूं। रानी बिटिया, रानी बिटिया, उठो बेटा, उठो
बेटा सुबह हो गई। क्या मुसीबत है, सुबह सवेरे आकर जगा देते हो, जाओ मुझे सोने दो। सुबह सवेरे नहीं बिटिया, 10:30 बज चुके हैं। साढ़े दस तो हर रोज बजते हैं गंगू दादा, इसमें कौन सी नई बात है, मेहरबानी करके तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा बाबा जाता हूँ, मैं तो इसलिए जगा रहा था कि आज बिटिया रानी की सहेली आने वाली है। ओह बिमला, अरे रे 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 रे, ये तुम एकदम भूल ही गई थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया गंगू दादा, मैं क्या करूंगी। अरे बताता कैसे, इतनी देर से तो जगा रहा हूँ। चाय 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 चाय। अरे ये नहीं, ये तो ठंडी है। तुम नहीं जानते गंगू दादा, बिमला सिर्फ मेरी सहेली ही नहीं बहनों से भी ज्यादा प्यारी है, शादी के बाद पहली दफा आ रही है और वो भी जीजा जी के साथ। अच्छा। और देखो उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? समझा। थैंक यू। उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बस गाड़ी के आने में 1 घंटा बाकी रह गया है। सिर्फ 1 घंटा? हाय मैं मर गई, गंगू दादा मुझे बहुत से काम करने हैं, मैं क्या करूं, तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकालो। अच्छा। और सुनो 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 सुनो, वो जो जीवन है ना जीवन, उसको कहो जल्दी से मेरे सैंडल पॉलिश करे। अच्छा। हाँ। और सुनो 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 सुनो, मोटर है ना, मतलब मोटर नहीं ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइवर से कहो जल्दी मोटर निकाले। तुम मेरा मुँह क्या देख रहे हो गंगू दादा, मैं तो गई मर गई, कुछ तो करो। बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ओ रानी, ओ बिमला, अरे तुम्हें तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है, मालूम होता है बहुत फैशनेबल हैं हमारे जीजा जी। बिल्कुल साहब बहादुर हैं, इसीलिए तो तुम्हें भी बिल्कुल मेम साहब बना डाला है। चलो पहले सामान उठवा, तुम सामान उठवाओ, मैं टोनी को लेकर आती हूँ। टोनी? हाँ हाँ टोनी। ए गुले, ये सामान किधर ले जा रहे हो? जी मेम साहब। मेम साहब? नमस्ते साहब बहादुर। साहब बहादुर आप? जी मैं एक लड़की हूँ, 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, 1 सर, 2 हाथ और कद सिर्फ 5'2". जी वो तो देख ही रहा हूँ मगर। अरे आजकल के मर्दों की यही बात मुझे नहीं आती, सब कुछ जानते हुए भी बेचारे बड़े भोलेनाथ बनते हैं। जी मैं आपकी साली हूँ और आप मेरे जीजा जी। जीजा जी? हाँ जी। इसमें हैरान होने की कौन सी बात है, बिमला के बच्चे आपको कुछ भी नहीं पता? किसके बच्चे? मेरी सहेली बिमला। हाँ अब जरा जल्दी कीजिए, हम यहाँ से चलें। हाँ। घर क्या सचमुच आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? तो मगर आपके सर की टोपी को मैं जरूर पहचानता हूँ क्योंकि ये मेरी है, एक्सक्यूज मी। और मफलर भी आपका, संभाल लिया। ये लीजिए, आपकी धर्मपत्नी भी आप हैं। अब किसी से पूछिए कि मैं कौन हूँ। बिमला, बिमला, पहले इनको बताओ कि मैं कौन होती हूँ। पागल? माफ कीजिएगा, मेरी सहेली को बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो क्या तुम? तुम्हारी जीजा जी को छुट्टी नहीं मिली इसीलिए मैं अकेली चली आई। ओहो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चलो चलो यहाँ से चलो। खुली आपके लिए पेन गिफ्ट करेगा। वो क्या है? वो क्या है मालूम होता है कि आप मतलब नए नए आए हैं। ये आप मैंने कैसे पहचाने? पहचानने वाले कयामत नजर रखते हैं। तो मिस्टर नजर कयामत, जरा खुले लफ्जों में बयान कीजिए पेन गेस्ट क्या? हाँ
पेइंग गेस्ट का मतलब ये होता है कि जो पे करे। पे का मतलब ये होता है यानी कि किराया का मेहमान है ना, कि जब तक किराया जब तक मेहमान जब तक मेहमान जब तक किराया जब तक किराया जब तक मेहमान मेहमान गुल किराया 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 ओ मेहमान गुल आदमी बहुत दिलचस्प मालूम होता है। आप मेरा नवाजी है, आज से आप हमारे मेहमान हां यानी कि पार्टनर हां इसी है हां पढ़ाया वो हर वक्त नहीं लेते हैं। मेरे आपको मतलब नहीं समझा। मतलब मैं टैक्सी में समझाऊंगा, जनता को सुनाने से क्या फायदा है। ये बटुआ मुझे रेल के डिब्बे में मिला था। अच्छा। तो भला इसके अंदर क्या है? अरे पार्टनर आज कल की लड़कियों के पर्स में माल नहीं निकलेगा। हाँ देखिए निकालो पहले लिपस्टिक, कंघी है नहीं? बोलो बोलो है कि नहीं? आए ना, और रुमाल होगा शायद। नहीं नहीं पार्टनर, पार्टनर ये देखो 210 रुपए है पार्टनर, 50% 105 गाड़ी के डिब्बे में अपना पर्स बुलाइए जिसमें 210 रुपए थे। घबराओ नहीं, 105 रुपए मैं दे दूंगी। अपने रुपए अपने पास रखो मेम साहब, रुपए तो पिताजी से भी मिल सकते हैं, मुझे तो सिर्फ पर्स की चिंता है। नया पर्स भी तो पिताजी से मिल सकता है बेटा। मगर उस पर्स में डांस का टिकट था पिताजी, पता नहीं किस जंगली के हाथ लगे होंगे। गंगू जी मैं जरा टेलीफोन देखो। बहुत हेलो जी हाँ, मैं उनका नौकर बोल रहा हूँ, फरमाइए। तो फिर आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए जी। बहुत अच्छा। अच्छा नमस्ते। कौन था गंगू? कोई भला मानस था मालिक, रानी बिटिया के पर्स के बारे में कह रहा था। मेरे पर्स के बारे में? हाँ, गाड़ी के डिब्बे में मिला है उसे, कल सुबह 10 बजे लेकर आ रहा है। कौन कहता है कि दुनिया की रगों में शराफत का खून नहीं रहा। जीजा जी, अरे जीजा जी की बच्ची, कल 10 बजे। गंगू दादा चाय। भला इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, चाय तो पी कर आया था मैं। बम्बई में जितनी भी चाय पी जाए कम है, और फिर आपको तो बेकार में यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसी तकलीफ की क्या बात है, शुक्र है कि पर्स के अंदर एड्रेस मिल गया, वरना यहाँ आने की नौबत ही ना आती। क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, यही देख रहा था कि मकान बहुत ही खूबसूरत है। चाय लीजिए। शुक्रिया। मालूम होता है आप लोग बहुत दिनों से बंबई में हैं। मैं तो आप ही की तरह परदेसी हूँ। अच्छा, मगर यह खूबसूरत मकान वाले। आपका मतलब ये है कि? जी, ये मकान मेरी सहेली का है। सहेली का? ओ, ओ, गंगू दादा मेरी चेक का। देखो तो सही कौन आए हैं। नमस्ते। यहाँ आकर इनका शुक्रिया तो अदा करो पहले। तुम्हारा पर्स लेकर आए हैं रानी। रानी जी, मेरा नाम रानी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, दरअसल मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह आपकी नींद खराब की है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका बस चले तो सुबह से शाम तक सोती रहे। अच्छा? बहुत लाडली है ना आपके बात की। ये रहा तुम्हारा पर्स, खोल कर देख लीजिए सब चीजें ठीक है या नहीं। जी बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, देख लीजिए देख लीजिए, पाउडर की डिब्बिया, लिपस्टिक, आईना, रुमाल और 210 रुपए। जी इसी में तो रखी थी। ये रही है ना, डांस के टिकटों की कॉपी है। अच्छा, अगर देखने का शौक हो तो एक टिकट आपको भी मिल सकता है। जी सिर्फ 10 रुपए। जी शौक तो बहुत है, मगर एक टिकट से नहीं चलेगा, 20 रुपए की बात। यानी कि दूसरा टिकट
जिंदगी में ये भूल अभी तक नहीं की है मैंने। दूसरा टिकट मुझे अपने दोस्त के लिए चाहिए, ये लीजिए 20 रुपए। और ये लीजिए अपने टिकट। शुक्रिया, मगर ये डांस कहाँ है? स्टेडियम में। स्टेडियम कहाँ है? क्या आप पहली बार बम्बई आए हैं? जी हाँ, किसी काम के सिलसिले में आया। क्या काम करते हैं आप? किसी की तलाश। तलाश? जी, मेरा मतलब यह है कि जिंदगी में किसी न किसी की तलाश तो रहती है, ये भी तो एक काम है। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। सुनिए, फरमाइए। नाम पूछते तो भूल ही गए। जी, मेरा नाम है राजा। अच्छा, आपने चला। नमस्ते रानी जी। नाम सुनकर तो लड्डू फूट गए होंगे मन में। चल हट, तेरे मन में फूटे होंगे। मैंने तो कुछ और नाम सोच लिया है। ओके, जीजा जी। अरे जीजा जी, बच्ची निकल गई। जी, मैं समझ गया आपका मतलब, मगर मेरा ख्याल है अभी आपको कुछ दिन और ठहरना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक नहीं, दर्जनों मोटरें आने वाली हैं, दर्जनों, यही कोई 15-20 दिन के बाद। शुक्रिया। मैंने कहा पार्टनर जी, पार्टनर। ये क्या बदतमीजी है? और ये क्या बदतमीजी है, जब जो टेलीफोन की किताब का पाठ करते रहते हो, आखिर ये मुसीबत क्या है भाई? ये मुसीबत है? ये मुसीबत नहीं, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, जिसलिए मैं बम्बई आया है। है? मुझे किसी की तलाश है। तलाश है? तलाश है तो मुझे बताओ ना, ये भगवान किस्मत की दवा है। क्या नंबर है उसका? नंबर? नंबर तो नहीं जानता, मगर नाम। नाम जानते हो? कुलाबा से खारदक, दादा से विरार, सबके नाम हम जानते हैं। क्या नाम है उसका? तेहरी बाबू, मगर इस नाम का कोई भी आदमी नहीं मिलता है इस किताब में। ये तो सीधी बात है कि उसके पास टेलीफोन नहीं होगा। हाँ, कुछ अता पता? अता पता मालूम होता तो इस किताब से झक मारने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, सिर्फ नाम जानता हूँ। नाम जानते हो? अरे भाई, इस बम्बे में 40 लाख इंसान बसते हैं, किस किस का नाम पूछते फिरोगे? कोई शक्ल सूरत? एक फोटो दिखा सकता हूँ? फोटो दिखा, दिखा, चल दिखा। फोटो तो बड़ी करारी है और सूरत बिल्कुल तेज करारी। चलो जल्द तैयार हो जाओ, भाग ले गई ढूंढ लेते हैं। भाग? हाँ, इस घर की चार दीवारी में बैठने से कुछ नहीं होगा पार्टनर। पार्टनर? माँ कसम, तुम कभी कभी बड़ी अकल की बात करते हो। थैंक यू। मैं अभी नहा के आता हूँ। थैंक यू। माफ करना पार्टनर। पार्टनर जी, पार्टनर कहाँ है? इधर है। शुक्रिया। बहुत जल्दी है तो अकेले चली जाओ ना।
रानी तो अपनी मर्जी की मालिक है, अपने नींद सोती है और अपनी नींद जगती है। बहुत अच्छा, तो तुम सोती रहो, मैं जाती हूँ। अरे रे 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 रे। बस मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी? नो। क्या कहा? एन ओ नो, नो मैंने नहीं। बहुत अच्छा, गो। क्या कहा? मैंने कहा जी ओ गो, गो मैंने जाओ। लेकिन जाओ कहाँ, मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं आता तुम्हारे बंबई का, और कितनी चीजें खरीदी है। तो फिर रोज किस बात का जमाती हो? मैंने तो कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। थैंक यू, नो मेंशन। जल्दी करो जल्दी, फिर वही जल्दी। जा, मैं जल्दी नहीं करती, मैं नहीं जाती। अच्छा बाबा माफ करो, कोई जल्दी वल्दी नहीं। ठीक ठीक, चल चल। आज तो बोले दो से खूटी निकाली जा रही है, और वो भी शाम को। कहाँ जाने की तैयारी है पार्टनर? आप भी जरा ये धोती जंपर उतार दीजिए और जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि कहीं बाहर जाना है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाना है। तुम्हें तो बाल की खाल खींचने की आदत है, हमें डांस देखने नहीं चलोगे क्या? वही दो दिखते हैं। जरूर चलूंगा, जरूर चलूंगा मेरे रोमियो। अरे डांस मार को तो मारो गोली, मुझे तो सिर्फ उस बिल्ली को देखना है जिसके इशारे पर तुम चूहे की तरह नाचते हो। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। मैंने कहा आराम करने की भी एक हद होती है जी। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक संहार खत्म नहीं हुआ आपका। छह बजने वाले हैं, मालूम? मालूम, लेकिन डांस तो 7 बजे होगा, तुम अभी से क्यों घबरा रही हो? आपकी यही स्पीड रही तो 7 भी यही बज जाएंगे। मैं जानती हूँ ये 16 संहार क्यों हो रहा है आज। क्यों हो रहा है बता दूँ? जीजा जी जो आ रहे हैं। अरे जीजा जी,
या मैं मर जाऊंगी, चला दिलदार वही वही। गाड़ी के नंबर से गाड़ी वाले का पता चल सकता है। लेकिन नंबर क्या था? BMC 1854। तुमने नंबर देख लिया? देखने वाले देखा करते हैं पार्टनर। चलो भाई नंबर था मिला तुम्हें 1854 यानी कि BMC 1854। एक आठ पाँच चार शेठ रतनलाल रतन मोटर्स चन्नी रोड। रतनलाल थैंक यू वेरी वेरी मच थैंक यू। अरे तो वही गाड़ी? हाँ देखो मगर चेक कर जाता हूँ। क्या गाड़ी है, क्या मोटर है, शीशे की तरह चमकती है तो कुंडन की तरह धमकती है। हाथ लगाने को जीने चाहता, मेरा मतलब ये है कहीं मैली न हो जाए। भाई हिंदुस्तान वालों का जवाब नहीं। अगर ये गाड़ी तो अमेरिकन है अमेरिकन। अरे अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो, चलती है तो सीता में धाती है, रुकती है तो मन को भाती है। तुम्हारी कसम ये चाहता है कि चुम लो। क्या नाम है समरिंग का? शेवरलेट। अजी इसके सामने तो बेचारी फोर्ड भी शर्माती है, और अगर इंजन चालू हो तो चन्नी रोड भी घबराती है। कौन खुश नसीब मालिक है इस कर्म वाले का? सेठ रतनलाल। रतनलाल सेठ अमेरिकन है या अफ्रीकन? जी मेरा मतलब ये है, मतलब ये है कि गाड़ी विदेशी है, मालिक स्वदेशी है। सेठ रतनलाल पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, नेपाली है, भोपाली है, कहाँ के रहने वाले हैं, किधर से आए हैं, किधर से जाएंगे, यानी कि ये गाड़ी कहाँ से लाए हैं, आया में। समझ गए भाई, अपन उनका गाड़ी चलाता है, जन्म पत्र नहीं बनाता। अरे अरे तुम तो खाली पीली भी करता है। मेरा मतलब ये था कि नमस्ते जी। ओ हाँ नमस्ते। मैं भी नमस्ते जी यहाँ जी। अजीब इत्तेफाक है, घूमते फिरते कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है, कहीं आप हमारा पीछा तो नहीं कर रही हैं? यही सवाल अगर हम आपसे करें तो? हमारा काम तो सड़के नापना है। बिल्कुल ठीक है। जिंदगी अगर आगे आगे दौड़े तो उसके पीछे भागना ही पड़ता है। पैदल भागना भी अच्छा नहीं होता, एक मोटर खरीद लीजिए ना। मोटर जी, इरादा कुछ ऐसा ही है,
मगर इस कंपनी में बात कुछ बनती नजर नहीं आती, सब गाड़ियाँ मामूली हैं। सुन लिया रानी जी, पिताजी से कहो आप कंपनी बंद कर दे। पिताजी? जी, ये कंपनी मेरे पिताजी की है। जी। तो क्या उनका नाम? सेठ रतन लाल। चलिए ना, मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, आइए। जी नहीं जी नहीं, मैं बिजनेस की बातों में सिफारिश पसंद नहीं करता। आज तो मैं अकेला ही मिलूंगा, फिर कभी किसी दिन आप मुलाकात करवा दीजिएगा। अच्छी बात है, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर चलो रानी, अभी तो सारी बम्बई घूमनी है। सारी बम्बई? तो बम्बई का नक्शा बनाने का क्या? जी नहीं, बात यह है कि हमने नेशनल पार्क में एक पिकनिक का प्रोग्राम रखा। ख्याल तो बहुत ही अच्छा है, मगर ये प्रोग्राम बम्बई से क्या ताल्लुक रखता है? जी ताल्लुक वाले कुछ नहीं रखता, यही दो एक सहेलियों को इनवाइट करना है, कोई बांद्रा रहती है तो कोई कुलाबा में। ओ, ये बात है। तो फिर आप जाइए, मैं आपको डिटेन नहीं करूँगा। नमस्ते। नमस्ते 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 मिलने आए। मुझसे? जी हाँ। भेज दो। नमस्ते। नमस्ते। ओह, कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, हमारे आगे ही आपका नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, मुझे भगवान कहते हैं, यानी कि भगवान दास। मुझे रतनलाल के। वेरी ग्लैड टू हैव मेट यू। तशरीफ रखिए। ये मेरे दोस्त राजकुमार। तशरीफ रखिए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी। ये खुशी आपको हुई है या मुझे, इसका फैसला करना अभी बहुत ही मुश्किल है। मतलब यह है कि पहली बार अपना सामना हुआ है ना? जी जी जी, इनका कहने का मतलब ये है कि पहली बार आपसे बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस तो होता ही रहेगा, फरमाइए मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? सिगरेट? नहीं नहीं नहीं, धूम्रपान मैं नहीं करता, सिगरेट पीने की आदत इनको है, लेकिन जरा कर अमेरिकन। आप मोटर की बात कीजिए ना। आप कौन सी मोटर लेना चाहते हैं? मुझे तो टैक्सी में बैठने की आदत है। दौलत लुटाने का रास्ता तो राजकुमार ही जानते हैं, हर छह महीने के बाद गाड़ी बदलते हैं। ये तो अपने अपने शौक की बात है। राजकुमार साहब, अब के आप कौन सी मोटर लेना चाहते हैं? जी कैडिलैक या डुजनबर्ग सुपरचार्ज स्पोर्ट्स। कैडिलैक एंड डुजनबर्ग सुपरचार्ज स्पोर्ट्स, ये कारें यहाँ कहाँ? हम तो आपकी खिदमत में डॉज और प्लिमथ पेश कर सकते हैं। डॉज, प्लिमथ, डिसोटो, पॉन्टियक, स्टुडेवेकर, ये सब इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब के इरादा कुछ और है, गाड़ी में बैठकर हवा से बातें करने को जी चाहता है। जी हाँ जी हाँ, मुझे तो ये डर है कि अगले साल हवाई जहाज का सौदा करने जा पहुंचेंगे और उसके अगले साल रॉकेट। माफ करिएगा। हेलो रतन मोटर्स जी, कस्टम हाउस से? बहुत अच्छा, मैं अभी हाजिर होता हूँ। शुक्रिया। कस्टम हाउस का फोन था, आप जानते हैं इन लोगों से तो कुछ ना कुछ चक्कर चलता ही रहता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिलहाल हमारी बात तो किसी नतीजे पर पहुंचती दिखाई नहीं देती। मेरा मतलब यह है कि दाज या प्रेमा से इरादा हो गया तो फिर आपके दर्शन करेंगे। बहुत नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अग्रवाल। अपन को तो कोई फर्क नजर नहीं आता भाई, वही शक्ल, वही सूरत, वही नाक नक्शा, बाकी रहा नाम, तो नाम बदल देने में कौन सी बड़ी बात है प्यारे? अपन ने भी आज तक छह नाम बदल दिए हैं, सोहन से मोहन, मोहन से राम, राम से श्याम, श्याम से हरनाम और हरनाम से भगवान। आप करें कोई बदनाम? भगवान एक काम करो। अरे ये काम कहो तो दत्तनाथ सिर का। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ए? फिर मैं उसे जीते जी मारना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी में तलखियां भर देना चाहता हूँ, और उसका तरीका सिर्फ एक है। वो क्या? बेटी की जुदाई। बेटी की जुदाई? हाँ हाँ, बेटी की जुदाई। मैं उसकी लाडली को मोहब्बत के जादू से उससे जुदा करके अपने पास ले आऊंगा, उसी के घर के चिराग से उसके घर में आग लगा दूंगा, और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। Thank you.
लगे माफ कीजिएगा, मैं अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है एबीसी, प्रोफेसर एबीसी, यानी कि मैं एक म्यूजिशियन, म्यूजिशियन नहीं, मैजिशियन। मैजिशियन यानी कि जादूगर। मेरा जादू सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बना सकता है, मेरा जादू कबूतर को हाथी और हाथी को मक्खी बना सकता है, लेकिन ये जादू जरा कॉस्टली है, यानी कि महंगा है, इसलिए मैं आपको एक मामूली जादू बताता हूँ। प्लीज सुनो, मैं क्या है, निकाले इसमें से पत्ता, आप निकालिए, आप निकालिए, आप निकालिए, निकाली निकाली। आप अपना लिख लीजिए और ध्यान में रखिए। तू क्या देखती रही? हो गया? ध्यान में रखा सब लोगों ने? हाँ। मिला दीजिए इस पत्तों में। मिला दीजिए, मिला दीजिए। तुम भी मिलाओ, तुम भी मिलाओ। लीजिए मिला दिया। मिला दिया आप लोग सब लोग ने? हाँ। लेकिन कहाँ? पास में। ताश में? नहीं नहीं, आप लोगों के पत्ते इस ताश में नहीं है। नहीं है? नहीं, मेरा जादू उन्हें दूर दूर इन्हें दूर ले गया है। ये भला कैसे हो सकता है? यही तो कमाल है ना जादू में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ तुम्हारे पत्ते फैले हुए हैं। क्या पता था आपका? ईद का दहला। हाँ, ईद का दहला, दहले के 10 पांव होते हैं, 200 कदम उधर जाइए आपको पता मिल जाएगा। क्या पता था आपका? पान की टिग्गी। पान की टिग्गी, हाँ, 200 कदम आप पश्चिम जाइए। मेरा चिड़ी का एक था। एक चिड़ी का एक्का, चिड़ी के पत्ते उत्तर के तरफ मिलते हैं, 150 कदम से जाइए गिनते। आपको क्या पता था, यानी कि आपको क्या पता था? हुकुम का गुलाम। हुकुम का गुलाम, गुलाम उसको तो खुद यहाँ चाहिए था, लेकिन अगर मैं जादू कमाल देखना है तो 400 कदम दक्षिण चले जाइए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कितने कदम? 400। 400। एक, दो, तीन, चार, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400। आप? और आप? मैं तो अपने गुलाम की तलाश में आई। गुलाम हाजिर है, सर तस्लीम खम है, पर मैं ये क्या खिदमत करूं? मेरा मतलब आपसे नहीं, ताश के गुलाम से है, मगर आप यहाँ क्या कर रहे थे? बेगम की इंतजार। बेगम? जी हाँ, मगर ताश की नहीं। तो? एक जादूगर ने कहा था। जादूगर? जहाँ जादूगर, मैजिशियन। आई सी, अब समझी आपका मतलब। जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको भी ठीक समझी हूँ और आपके जादूगर को भी, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं। फिर ऐसा कीजिए, कोई और अपॉइंटमेंट दे दीजिए, फुर्सत की घड़ियों में दिल की बातें करेंगे। देखिए, मुझे आपसे कोई बातें बातें नहीं करनी है। अरे सुनिए तो, अब और क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ रानी, बस इतना बताओ, फिर कब मुलाकात? मुलाकात? कभी नहीं। अच्छा, आपने मुझे क्या? रानी! अरे उफ, छोड़िए ना, मेरी सहेली आ रही है। रानी कहाँ गई? रानी कहाँ गई? रानी, ओ रानी, छोड़िए ना। मैंने वादा। अच्छा बाबा, वादा करती हूँ, आप तो छोड़ो। सच? हाँ हाँ, कल। Thank you.
बिमला गुड मॉर्निंग। देख बिमला, आज तुम ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं गलत हो सकती हूँ, वो घड़ी गलत हो सकती है, लेकिन तू गलत नहीं हो सकती। मतलब ये कि अभी या तो रात के 7 बजे हैं, या तू रात भर नहीं सोई, या मैं कोई सपना देख रही हूँ। देख बिमला, मैं जानती थी आज तुझे वापस जाना है, और गाड़ी 9 बजे छूटती है, इसलिए मैं जल्दी उठ बैठी। आपको कोई इतराज है मेम साहब? मैं नहीं मान सकती, तुम्हारी आंखों में छलकती हुई लाली कुछ और कहती है और तुम कुछ और। सच सच बताओ, क्या बात है? कोई बात नहीं, जरूर कोई बात है। अरे बाबा, कह तो दिया कि कोई बात नहीं, सोए क्यों नहीं रात भर? कौन कहता है? तुम्हारी आंखें झूठ बोलती हैं। वो खाओ मेरी कसम। लो बाबा मेरी कसम। नहीं नहीं, मेरी कसम। ओहो, तू तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ले बाबा, तेरी कसम और मेरी कसम पर। रानी बिटिया, तुम्हारा टेलीफोन। मेरा टेलीफोन? मेरा टेलीफोन आई। अरे किसका फोन है पूछा? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आपको नहीं, आपको नहीं, मैं राजा बोल रहा हूँ। आपको याद है ना अपना वादा? जी हाँ, याद है जी। पता नहीं आप कौन से निर्मला से बात करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ कोई निर्मला उर्मला नहीं रहती, मेरा नाम रानी है। रानी? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? पता नहीं, वो पागल होगा। वो पागल नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। चल हट। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी बात कर रही थी, अचानक बदल गई। इसलिए कहता हूँ भाई कि तुम अभी तक बच्चे हो, समझे? अरे कोई आया होगा। मगर वो मुलाकात का वादा, वो तो कल ही हो गया था। एक बात कहूँ, आज वो आने वाली है, और वो भी अकेली आएगी। माँ कसम, अम्मा की कसम, सलाम करो। सर क्या हुआ? अगर नहीं आई तो? तो फिर ऐसे के बजाय ऐसे करो बस। पहले ये तो बताइए, आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? अब वो कहने की जरूरत नहीं, तुम कह भी नहीं समझ गई। मैं तो कुछ नहीं समझी, मगर तुम्हारी यहाँ आने से मैं सब कुछ समझ गया। क्या? यही कि जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई। तलाश? कैसी तलाश? तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था जिंदगी में किसी न किसी की तलाश रहती है, और शायद मुझे तुम्हारी तलाश थी रानी, और आज तुम मुझे मिल गई हो। झूठ। पहली बार तो मैं आपको स्टेशन पर मिली थी। वो मिलना कुछ और था। और ये? ये मिलना कुछ और है। कहाँ तुम, कहाँ मैं? तुम अपने रास्ते पर खड़ी थी, और मैं अपने रास्ते पर। और अब हम दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। तुम चल रहे हो। ये बहकी फिजाएं, ये झूमती हवाएं, जो छेड़ छेड़ जाए तो दिल मच ले। यही तो है जमाने, दिलों के अफसाने, जो सुने न सुनाए तो दिल मच ले। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं,
मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं, तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं, तुम चल रहे हो। अपनी खुशी से किसी ने जो किसी से किया है कोई वादा, तो डर किसका, दिल ही दिया है किसी का क्या लिया है, कहे तो कोई लूटा है घर किसका। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं, तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं, तुम चल रहे हो। प्यार की अदाएं जमाने को ना भाएं, वो देख देख जले तो जलने दो, हमें ना कोई रोके किसी के हम होके, चले हैं मस्ती में तो चलने दो। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं, तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं, तुम चल रहे हो। आज बहुत देर कर दी मालिक, ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। ये रानी बिटिया कहाँ आई? रानी बिटिया तो अभी नहीं आई। अभी नहीं आई तो ये रोज रोज कहाँ चली जाती है? ये तो मुझे मालूम नहीं मालिक, आप आराम कीजिए, अभी आ जाएगी। तुमने देखा गंगू? हाँ मालिक, अब आपको भी रानी बिटिया के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हमारी रानी बिटिया बड़ी हो गई है ना? तुम ठीक कहते हो गंगू। ओ पिता जी, आप कब आए ऑफिस से? मैं समझी आप अभी तक नहीं आए होंगे। आप ऊपर क्यों चले आए? मुझे नीचे बुला लिया होता। आज तो बहुत जल्दी आ गए हैं आप। जल्दी? रात के 8 बजे हैं बेटा। 8? तो शायद मुझे देर हो गई है आज। दादी वो शिला है ना, शिला मेरी सहेली, जब भी मैं उसके घर जाती हूँ हमेशा देर हो जाती है। दादी, उसके डैडी ने आपको नमस्ते कहा है। है? शिला के बाद में? वो तो आज सारे दिन मेरे साथ थे। जी। खैर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ, तुम आजकल इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? जी मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ पिताजी। आपको भूख लगी होगी, चलिए चलकर खाना खा ले। खाना तो खा ही लिया जाएगा, पहले तुम मेरी बात का जवाब तो दो। मगर कोई बात भी हो पिताजी? पिताजी सब कुछ समझते हैं, मगर तुम कुछ शर्माती हो। मैं तुम्हारा बाप तो हूँ, मगर माँ का फर्ज भी मुझे ही अदा करना है। बताओ कौन है वो? वो कौन? वही जिसके हाथों में मैं तुम्हारा हाथ सौंपूं। मुझे नहीं मालूम। शर्माओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी खुशी तुम्हारी झोली में डाल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर खुश रहो। तुम कल ही उसे यहाँ बुलाओ ताकि मैं सारी बातें अपने सामने पक्की कर लूं। ओह पिताजी। पार्टनर,
था पार्टनर जी। ए पार्टनर, क्या बदतमीजी है? और ये क्या बदतमीजी है जी, जब देखो ताश के पत्तों का पाठ करते रहते हो। तुम्हारी बला से हम मरे या जिए हमें कौन पूछता है? हम पूछते हैं मेरी जान। कहो ऐसी कौन सी भूल हो गई है मुझसे? भूल तुमसे नहीं हुई, मुझसे हुई है। मतलब मतलब ये है कि जो तुम्हारी मदद कर बैठा। क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? नहीं करता तो अच्छा होता। व्हाट? यस, जब से वो लड़की मिली है देवदास बंधु से पीछे मुझे घूमते फिरते। अब मैं समझा मेरे लाडले की नाराजगी का कारण। ए पगले, तू बिल्कुल पागल है। जी जी हाँ, मानते हो ना? जी हाँ, एक पागल को दूसरा पागल नजर आता है। मोहब्बत की बातों में आकर भूल गए ना अपना काम, टूट गए तुम्हारी कसमें। ए, तू बिल्कुल बच्चा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बच्चा हूँ। नहीं तो क्या, मैं इतना भी नहीं समझते लोहे को उसी वक्त तोड़ा जा सकता है जब वो गर्म होता है। और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है प्यारे। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। ए, चल मैं नहीं आता जाऊं। ऐसा नखरा तो वो लड़की भी नहीं करती। सच माफी कर सकते। चल डार्लिंग, माय कोट पलंग पर जल्दी आओ। तुम तो कुछ शर्मा रहे हो बेटा। जी जो कुछ खाओ भी ना। शुक्रिया। आज रानी की माँ जिंदा होती तो न मालूम वो कितना खुश होती, वो क्या क्या बातें तुमसे पूछती। खैर बेटा, मैं तो सारी बात अब सिर्फ एक ही बात में खत्म करना चाहता हूँ। डैडी, गंगू दादा अभी तक चाय नहीं लाए, मैं भी जाकर पूछती हूँ। बड़ी समझदार है मेरी बच्ची, बड़े लाड और प्यार से पाला है इसे मैंने। इसके मुंह से निकली हुई हर बात मैंने पूरी की। सच पूछो तो इससे मैं अपने से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आपके बारे में रानी का भी यही ख्याल है। बाप के रूप में वो आपकी पूजा करती है, इसीलिए तो दुनिया नेक औलाद की मन्नतें मानती है। भगवान ने बेटी का धन तो दिया ही था, आज बेटे की कमी भी पूरी कर दी। जी मैं किस लायक हूं? अगर मैं आपकी नजरों में किसी काबिल हूं तो ये मेरी खुशनसीबी है। खुश नसीब तो मैं हूं जो तुम जैसा बेटा मिल रहा है। इस शुभ काम के फैसले के लिए अपने माता पिता को जल्दी यहां बुला लो। जी बात यह है कि पिताजी का छाया तो बचपन से ही उठ चुका है, माँ जिंदा है। अगर आप कहें तो मैं उन्हें साथ ले आऊं। जरूर जरूर, तुम आज ही चले जाओ बेटा। शुक्रिया। मैं चाहता हूं सगाई की रस्म भी रानी के बर्थडे के दिन ही हो जाए। बर्थडे? हाँ, चार ही दिन तो बाकी रह गए हैं। जी तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए। सितारों छुप जाना, नजर न लगाना, गोरी गोरी चांदनी में आएंगे बम। हवाओं लहराना, घटाओ मत आना, के गोरी गोरी चांदनी में आएंगे बम। सितारों छुप जाना। छेड़ेंगे हम
इतना सुहाना होगा बहाना कि गोरी गोरी चांदनी में आएंगे बलून सितारों छुप जाना नजर न लगाना कि गोरी गोरी चांदनी में आएंगे बलून सितारों छुप जाना नींद में होके सारी दुनिया तो खोई जाने कपीत के राज न कोई चांद जलेगा जल के ढलेगा के गोरी गोरी चांदनी में आएंगे बलम सितारों छुप जाना नजर न लगाना के गोरी गोरी चांदनी में नमस्ते करो बेटे जीते रहो जीते रहो कोई हर्ष की बात नहीं तशरीफ लाइए नमस्ते करो बेटे जीती रहो बेटा नमस्ते बेटे नमस्ते 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 तकरीबन मेहमान सबके सब आ चुके हैं बेटा मगर अभी तक तुम्हारी माता जी तशरीफ नहीं लाई जी बात यह है कि मैं उन्हें साथ लेकर ही आता लेकिन लंबे सफर की वजह से काफी थकी हुई थी बस वो अब आती ही होंगी हाजिर हुआ वकील साहब हाजिर फरमाइए अब और कितनी इंतजार है रतन लाल जी 8 तो बजने वाले दस मिनट और इंतजार कर लीजिए आप लोग कुछ खाते नहीं केक कटने से पहले ही खाना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या होगा आप लोग उसकी चिंता न कीजिए उसके बाद आपको लड्डू मिलेंगे लड्डू चलो चलो सब ये सामान लगाते हैं थैंक यू नजर आती है ये भी कोई पूछने की बात जन्मदिन जो है मेरा ये ज्यादा खुशी जन्मदिन की है चलिए हटिए बहुत बातें बनानी आ गई है लीजिए वो आ गए आप मैं भी उन्हें लेकर आता हूँ बहुत अच्छा सरकार तुम यहाँ क्यों आई हो चंचल क्या बात है जी ये औरत कौन है कौन है क्या हो गया है आपको मैं पूछता हूँ ये औरत कौन है मेरी माँ तुम्हारी माँ अगर ये तुम्हारी माँ है तो निकल जाओ यहाँ से रानी की सगाई नहीं होगी सैर जी जरा सोच समझ कर बात कीजिए आप मेरे साथ मेरी माँ का भी अपमान कर रहे हैं मैं तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता वंडरफुल स्प्लेंडेड जवाब में बहुत अच्छा सलूक करते हैं आप अपने मेहमानों के साथ इस घर में शरीफ लोग रहते हैं निकल जाओ यहाँ से अच्छी बात चलो माँ पिताजी, आपने क्या कर दिया पिताजी रानी तुम मेरी बातों में दखल मत दो उन्हें घर से क्यों निकाल दिया रोक लीजिए पिताजी रानी
मालिक, आप इस तरह कब तक बैठे रहेंगे? सारा घर उदासी की तस्वीर बन गया है। इधर आप परेशान हैं, उधर रानी बिटिया रो रही है। रो रही है? हाँ मालिक, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, अब आप ही जाकर उसे समझाइए ना। अच्छा, मैं जाता हूँ। रानी, रानी बिटिया, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, दुश्मन नहीं। इससे बड़ी दुश्मनी और क्या हो सकती है? आप तो मेरी खुशियां मेरी झोली में डालना चाहते थे ना, मुझे जिंदगी भर खुश देखना चाहते थे ना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम इन बातों को नहीं समझोगी मेरी बच्ची। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखें वहां तक नहीं देख सकती जहां तक मैंने देखा है। मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी सब कुछ दिखाई देता है। कौन सी बात देखी है आपने? किस लिए मेरी हंसी को रोने में बदल डाला है, बताइए। आज के रोने से तुम जिंदगी भर के रोने से बच जाओगी। मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, इसी में तुम्हारी भलाई। बस कीजिए और मुझे मेरा हाथ मत छोड़। रानी, मर गई है रानी। तुम्हारे आंसू मेरा इरादा नहीं बदल सकते। आज बहुत सुर में गा रहे हो, क्या बात है? मैं और सुर में? अरे बस 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 बस, अब इस लॉन्ड्री को हटाओ। चलो यार, तुम तो ड्राई क्लीनिंग होकर भी आ गए। राजा, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? जहन्नुम में। अरे वाह, ऐसी यात्रा तो वही मुबारक, आपने को टिकट नहीं मिली। बकवास बंद करो, हाँ अभी जाता हूँ। चलो तो जाओ ना उस तरफ। अंदर आ सकते हैं? रानी, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। मोहब्बत की राहों में बिछे हुए कांटे भी फूल बन जाते हैं। जानती हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। किसी ने सच कहा है, दिल को दिल से राह होती है। हे भगवान, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देखते नहीं घर में मेहमान आए हैं? जाओ जाओ, कुछ चाय वाय नाश्ते वास्ते की इंतजाम कर। नहीं नहीं, मैं चाय पीने के लिए नहीं आई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है ना? मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, पहले तुम आराम से बैठ तो जाओ। बैठो बैठो। तुम्हारी खातिर मुझे रात भर नींद नहीं आई। रात मैंने भी आंखों में काटी है, एक बार भी आंख नहीं लगी। लग भी कैसे सकती, मोहब्बत का यही दस्तूर है, कहीं आंख लगी हो तो आंख नहीं लगती। मगर ये बात सेठ रतनलाल क्या जाने, जो तुम्हारे पिताजी बने फिरते हैं। पिताजी बने फिरते हैं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी राजा। जो कुछ तुम पूछने आई हो उसका जवाब मुझसे बेहतर तुम्हारा बाप जानता है। ये उसी की मेहरबानी है कि हमारे दरमियान आज एक दीवार खड़ी हो गई है। ये उसी की एक चाल है कि वो हम दोनों को इकट्ठा देखना नहीं चाहता है। ये उसी की शैतानी है। करो राजा, बस करो। तुमने शायद पिताजी को गलत समझा है। तुम ये नहीं जानते कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। यही तो मुश्किल है कि मैं सब कुछ जानता हूं और ये भी जानता कि वो पत्थर दिल इंसान तुम्हारा बाप नहीं है। राजा, मैं ठीक कह रहा हूं रानी? यकीन ना हो तो सीधा उसी से जाकर पूछ लेना। उसकी बीती हुई जिंदगी गुनाहों की एक ऐसी किताब है जिसका एक एक लफ्ज तुम उसकी आंखों में जाकर पढ़ सकते हो। वो तुम्हारा बाप नहीं है बल्कि अपने जमाने का एक बहुत मशहूर जुआरी, शराबी और खूनी भी है। नहीं नहीं, ये मैं हरगिज नहीं मान सकती। तो क्या ये मान सकती हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? अगर वो कोई अच्छा इंसान होता तो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में नाम बदल कर रहने की क्या जरूरत है? बदल कर? हाँ, नाम बदल कर। उसका असली नाम
रतनलाल नहीं बिहारी बाबू है। सबूत चाहते हो? ये देखो उसका असली रूप। को सुखी देखना चाहता हूं। तुम्हें मालूम है वो कहां गई? मुझसे तो कह गई थी मैं अभी आती हूं। मालूम नहीं कहां गई। मगर मुझे मालूम है वो कहां गई। तुम नहीं जानते गंगू ये उम्र किस कदर नादान होती है। रानी का बहका हुआ कदम इस घर में तूफान ला सकता है। कहां से आ रही हो रानी? यहां गई थी। कहां गई थी? ये आप भी जानते हैं और मैं भी। मगर ये मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, तुम मुझे बताए बिना उसके पास क्यों गई थी? मैं दूध पीती बच्चे नहीं हूँ जो सब कुछ आपको बताना पड़े। आज मैं हमेशा के लिए उसके पास जा रही हूँ। रानी तुम नहीं जानती वो कितना बच्चलन और आवारा है। शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारा बाप। बाप? बाप बन जाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। ये तू क्या कह रही? मैं क्या कह रही हूँ? मुझसे पूछने के बदले अपने ही दिल से पूछिए। इतने तो आप भी जानते होंगे कि मैं आपके पास कहाँ से आई थी। रानी, अगर आपकी बीती हुई जिंदगी के दामन पर कोई दाग नहीं तो भगवान की मूर्ति के सामने कसम खाइए कि आप मेरे बाप हैं। आंखों में आंखें डालकर जवाब दीजिए, क्या मैं सचमुच आपकी बेटी हूँ? क्या सचमुच आपका नाम सिद्ध रतनलाल है? बताइए ना। आप मुझ पर हुक्म चलाना चाहते हैं? मेरा आपका नाता ही क्या है? मैं आपके हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहती, नहीं बनना चाहती। रानी बेटा, कहाँ जा रही हो? जानू में। हट जाओ गंगू दादा। नहीं, पागल हो गई हो क्या? मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ गंगू। रास्ता ही तो भूल रही हो तुम। मैं किसी हालत में तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगा। और मैं किसी हालत में इस घर में नहीं रह सकती। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? एक मामूली नौकर जिसने जिंदगी भर इस घर का नमक खाया और आज उसका हक अदा करना भी जानता है। तुम अपने बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर नहीं जा सकती बेटा। बाप? कौन कहता है कि वो मेरा बाप है? वो ना मेरा बाप है और ना मैं उसकी बेटी। यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। दुनिया भर के बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, मगर बाप न होते हुए भी मालिक ने जो कुछ तुम्हारे लिए किया वो शायद एक बाप भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी देखभाल उन्होंने बेटी से बढ़कर नहीं की? तुम्हारे मेरे लिए कुछ नहीं किया बल्कि अपने गुनाहों की जिंदगी पर पर्दा डाला है। उसने मुझे बाप का प्यार नहीं दिया बल्कि मेरे माँ बाप का प्यार मुझसे छीना है। मैं उसके असली रूप को अच्छी तरह जानती हूँ। आज का देवता सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अपने जमाने का एक बहुत बड़ा गुंडा बदमाश और खूनी है। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया है और पराए की पहचान भी जाती रही। मगर सब कुछ जानते हुए मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हारी मरती हुई माँ को वचन देकर मालिक ने तुम्हें अपनी गोद में पाला। तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन बदल डाला सिर्फ इसलिए कि उनकी बुराइयों का साया तुम पर न पड़ सके। वो कौन सी मुसीबत है जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं? वो कौन सी कुर्बानी है जो उन्होंने नहीं? अपनी ऐश और आराम की जिंदगी को ठुकरा कर उन्होंने हर सख्ती बर्दाश्त की। वो बीमा कंपनी के एजेंट बने, मोटर के कारखाने में नौकरी की और
यहां तक कि उन्होंने टोकरी भी उठाई तुम्हारे आराम के लिए। उन्होंने दिन रात मेहनत की है रानी, और आज तुम उस देवता स्वरूप इंसान की मोहब्बत का गला घोटना चाहती हो। बेशक वो तुम्हारा बाप नहीं, अगर इतना जरूर याद रखना, वो अपने लिए नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा है। तुम्हारा तीर बराबर निशाने पर नहीं बैठा। ओहो, मगर कुछ ना कुछ तो पता चलना चाहिए। आखिर बात क्या हो सकती है? बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? हो सकती है क्या? बंधु फोन करो, अभी पता चल जाएगा। हाँ, जवाब नहीं तुम्हारा। कभी कभी तुम भी अकल की बात कह जाते। थैंक यू। 9 0 9 7 मैं हूँ डार्लिंग, राजा। हेलो 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 हेलो, thank you.
शाम तक तुम मेरी सेवा करती रहती है, कुछ तुम्हें अपना भी ख्याल है? दूध पी लीजिए। ये मैं अपने आप पी लूंगा। और दवाई? दवा भी पी लूंगा बेटे। जाओ, अब रात के 10 बज गए हैं। जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। जी। क्यों आए हो राजा? चकोर चांद के पास और पतंगा दीपक के पास क्यों आता है? इसका जवाब तुम भी जानते हो और मैं भी, मगर मगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझसे पूछने के बदले अपने ही दिल से पूछ लिया होता। दिल की कमजोरी कभी कभी इंसानी फर्ज को भी भुला देती है, इसलिए दिल को थाम लिया। वो तो मैं कई दिनों से देख रहा हूं और आज उसी की वजह पूछने आया हूं। आखिर मेरा क्या दोष है? दोष ना तुम्हारा है और ना मेरा। मुश्किल तो यह है कि ना मैं चांद हूं और ना दीपक।
लेकिन मैं तो पतंगा हूं, दीपक के लगन में चलना चाहता हूं, चांद के चौबन की तरह घटना और पढ़ना नहीं जानता। ये सब बेकार की बातें, मेहरबानी करके तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ, ये तुम कह रही हो? हाँ हाँ, मैं कह रही हूं। जो सपने सच नहीं हो सकते उन्हें देखने से क्या फायदा? ये तुम्हें हो क्या क्या है रानी, तुम इतने बदल कैसे गई हो? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? मोहब्बत में कई बार कड़वे घूंट भी पीने पड़ते, तुम मुझे नहीं समझोगे और ना ही मेरी मजबूरी को। बस बस, अपनी कमजोरी को मजबूरी का नाम देकर निर्दोष बन जाना बड़ा ही खूबसूरत बहाना है। अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल होता तो तुम इस तरह आंखें ना फेर लेती। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी सच्चाई होती तो तुम मेरा टेलीफोन ना बंद कर देती। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी सब बातें झूठी और तुम्हारे सब वादे बेबुनियाद। कुछ भी समझ लो, मैं अपने पिताजी की खुशियों को अपनी खुशियों पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ तुम चले जाओ, मुझे भूल जाओ। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, मोहब्बत के नशे में गुजरा हुआ एक लम्हा जिंदगी भर से कीमती हुआ करता है। अगर तुम वो सब कुछ भूल सकती हो तो मैं तुमको भी भूल सकता हूँ। भूल तो सकते हो पर भूलोगे नहीं, इसी बात का फैसला करने मैं यहां तक आया हूं। फैसला तो हो चुका है सेठ जी, आपका जादू चल गया है, मगर मेरे भूलने या न भूलने से आपको क्या मतलब? मेरा कोई मतलब नहीं, मगर मैं तुम्हारा मतलब जरूर समझ गया हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, 10,000, 20,000? मोहब्बत चौराहे में नीलाम नहीं होती सेठ जी, चेकबुक अपनी जेब में रख दीजिए। अगर ये कुछ कम है तो मैं 50,000 भी दे सकता हूं। बहुत दौलत है आपके पास, है ना? अगर मैं कहूं मेरी मोहब्बत इससे भी कीमती है तो मैं और भी ज्यादा दे सकता हूं। ऑफर तो बहुत ही दिलचस्प है। कौन कहता है कि आजकल की दुनिया में इंसान नहीं बिकते? लाइए, आपका चेक आपकी लड़की से ज्यादा खूबसूरत है। ये लो और जो जी चाहे इसमें भर लो, और रानी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। इसके लिए तो इंसान अपने आप को भी भूल सकता है सेठ साहब। मगर मैं अपना अपमान नहीं भूल सकता। ये लीजिए, इस लड़की की शादी में काम आएगा। वही है फिजाएं,
वही है हमारे, मगर प्यार की अब नहीं वो अदाएं। वही है फिजाएं, वही है हवाएं, मगर प्यार की कब नहीं वो अदाएं। बुलाए हमको मगर वो न आए, हम चल रहे थे वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे खफा मुझसे क्यों है, खफा होने वाले जुदा मुझसे क्यों है, जुदा होने वाले। खफा मुझसे क्यों है, खफा होने वाले जुदा मुझसे क्यों है, जुदा होने वाले। कहाँ है वो वादे वफा होने वाले, हम चल रहे थे वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे कर भी भुला ना सकूंगा, जो दिल में लगी है बुझा ना सकूंगा। उन्हें भूल कर भी भुला ना सकूंगा, जो दिल में लगी है बुझा ना सकूंगा। मैं सपनों की दुनिया सजा ना सकूंगा, हम चल रहे थे वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। ये क्या बीमारी है, मेरी बच्ची की हालत तो रोज बरोज बिगड़ती जाती है। आपकी बच्ची का केस तो हमारे लिए भी पहेली बन गया है, कुछ समझ में नहीं आता। जैसा भी हो मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, मैं अपनी दौलत की आखिरी पाई तक उसकी जिंदगी बचाने के लिए लगा सकता हूँ। जिंदगी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती सेठ जी, और ना ही आपकी बेटी की बीमारी ऐसी है जो इंजेक्शन और दवाइयों से ठीक हो सके। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर क्या बीमारी है इसे? जब किसी के दिलो दिमाग पर कोई सदमा बैठ जाता है तो यही हालत होती है। मेडिकल साइंस वहां कुछ नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो बहुत धीरे धीरे। तो इसका मतलब है कि मैं घबराइए नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर माथुर, यस प्लीज जस्ट अ मिनट। मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती, मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती। बजरंग बली, मैंने रातों की नींदें और दिन का आराम खोकर रानी को पाला, इसकी जरा सी तकलीफ से मेरी जान निकल जाती, फिर मैं इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। पवन पुत्र, तुम लक्ष्मण के लिए संजूनी ला सकते थे,
हाथ पर पर्वत उठा सकते थे, फिर मेरी बच्ची को ठीक नहीं कर सकते। मेरे पापों की सजा मेरी बच्ची को क्यों दे रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो करुणा के सागर हो, अंतर्यामी हो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे अपनी बच्ची के जीवन की भीख मांगता हूं। बच्ची का जीवन तो आपके हाथ में है मालिक। मेरे हाथ में? वो कैसे गंगू? उसे कोई बीमारी नहीं है मालिक, सिर्फ एक धुन लग गया है उसके दिल को। आपको खुश करने के लिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। तुम ठीक कहते हो गंगू, उसने मेरी खुशी की बहुत बड़ी कीमत अदा की, मगर मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आप ऐसा कीजिए। हाँ हाँ गंगू कहो। उस लड़के को एक बार यहाँ बुला लीजिए। मगर वो तो मैं जानता हूँ, रानी बिटिया उसे अपने आप ठीक कर लेगी। मालिक, अगर रानी की माँ सिर्फ एक बार से आपके जीवन का रुख बदल सकती है, तो रानी भी तो उसी माँ की बेटी है। ठीक है, रानी के दिल का बोझ सिर्फ इसी तरह ही हल्का हो सकता है। आपका हुक्म हो मालिक, तो मैं अभी उसे ले लूं। नहीं नहीं गंगू, तुम नहीं। मैंने उसकी बेइज्जती की थी, मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं उसे जाकर लाऊंगा। तशरीफ लाइए। मैं जानता था आप इस गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाएंगे। फरमाइए, बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं बेटा। बेटा? मरहबा मरहबा, कितना हसीन लफ्ज कह दिया है आपने। भला मुझ जैसे इंसान की ऐसी किस्मत कहां जो आपका बेटा बन सको। सेठ जी, उसी भूल की माफी मांगने आया हूं बेटा। फिर बेटा, भूल तो यह है कि आप मुझे गलत नाम से पुकारते हैं। आपका बेटा कोई और होगा, मैं तो चंचल का बेटा हूं। चंचल का? तुम कोई भी हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाने आया हूं, तुमसे भीख मांगने आया हूं। भीख? एक भिखारी भला दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? भगवान के लिए भूल जाओ इन सब बातों को, मेरे पास बहुत वक्त कम है बेटा। मुझे बेटा कह के मेरे बाप की तौहीन न कीजिएगा। अपना सवाल वापस ले जाइए अपने साथ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी मदद नहीं? तुम्हारी रानी साफ बीमार है, उसकी जान खतरे में, सिर्फ तुम ही बचा सकते हो मेरी बेटी को। बेटी? आपकी बेटी? मैं कोई डॉक्टर या हकीम नहीं हूं, और ना ही मुझे कोई जंतर मंतर याद है। किसी हॉस्पिटल का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते जाकर? ऐसा ना कहो, मेरे दिल में घुटती हुई ममता का अंदाजा लगाओ। एक बाप के दिल को पहचानो मेरे बच्चे। दिल? आप जानते हैं दिल किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते तो सुनिए दिल किसे कहते हैं। दिल हमेशा एक शक्ल का होता है, और उसके चार हिस्से होते हैं, चार। दो में साफ खून बहता है और दो में गंदा। मगर आपके सीने में साफ खून तो क्या, गंदा खून भी नहीं है। आप ममता और ममता के नाम की बातों को क्या जाने? आप जैसा खुदगर्ज आदमी तो सिर्फ अपने ही लिए जीता है बिहारी बाबू। अपने लिए जीना भी कोई जीना है तो तुमने मुझे पहचान लिया, मगर गलत समझा। यही तो मुश्किल है सेठ, कि मैं आपको ठीक समझा। आज अपने कलेजे पर हाथ पड़ा तो तड़प उठे हैं आप। भूल गए वो रात मुसीबत की मारी को मोटर के नीचे कुचलकर उसके बच्चे को यतीम कर डाला था? उस वक्त ममता की आवाज नहीं सुनाई दी थी आपको? यही कांटा उस वक्त नहीं चुभा था आपके दिल में? एक बार तो मुड़कर देख लिया होता जालिम को, इंसान मरा है या जानवर। कह रहे हो तुम? बहुत पुरानी कहानी है सेठ, बहुत पुरानी कहानी। जानवर भी याद रहते हैं, इंसान भूल जाते हैं, या फिर वही याद रखते हैं जिनके दिल पर गुजरे हो। अंधेरी रात, एक मजबूर मां और उसका मासूम बच्चा। कुछ ना कुछ तो आपको भी याद होगा, रोते हुए बच्चे की चीख और दम तोड़ती हुई मां की हिचकी तो सुनी होगी आपने, जिसके सोते ही
मेरी तकदीर भी हमेशा के लिए सो गई। तुम्हारी तकदीर? जी हाँ, वो बदनसीब बच्चा मैं हूँ। कारण के बच्चे खबरदार, जो मेरी माँ कितना दिन का, वो तो देवी थी, देवी पार्वती थी। हाँ हाँ पार्वती, न जाने वो देवी मुझे कौन से रंग में देखना चाहती थी, मेरे लिए न जाने वो क्या क्या सपने देखा करती थी, पर तुमने उसके सपनों में आग लगा दी और मैंने उसको बदला नहीं चुकाया तो मेरा नाम भी राजा नहीं। राजा पार्वती, राजा। हाँ राजा, राजा की तकदीर को फूंक डाला है तुमने, उसके सीने पर इतना गहरा जख्म दिया जो जिंदगी भर नहीं भर सकता। दुखे हुए दिल की आवाज पहचानते हो तो सुनो, इस दिल की हर धड़कन में तुम्हारे लिए नफरत है, नफरत। मेरे दिल पर सुलगता हुआ दाग तुमने दिया है, तुमने मेरे जीवन में चुपते हुए कांटे हुए हैं, मैं उसका इंतकाम लेकर छोड़ूंगा। इंतकाम? हाँ हाँ इंतकाम, मैं इसे काबिल हूँ मेरे बच्चे। लो ये चाकू, भोंक दो इसको मेरे सीने में। नहीं, मैं तुम्हें एकदम मारना नहीं चाहता और ना ही मुझे किसी चाकू की जरूरत है। तुम जीते जी मर जाओगे बिहारी बाबू, तुम जीते जी मर जाओ। वो तो मैं पहले ही मर चुका हूं, मगर मेरे तुम्हारे झगड़े में रानी बेचारी का क्या दोष है? अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो रानी से तो मोहब्बत है। मैं अपनी मोहब्बत को भूल सकता हूँ, टूटे हुए दिल के और भी टुकड़े कर सकता हूँ, मगर अपने इंतकाम को नहीं भूल सकता। लेकिन ये रानी की जिंदगी और मौत का सवाल है बेटा। मैं उसकी मौत का सदमा भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे होते हुए उस घर में कदम नहीं रख सकता। ठीक है, रानी की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? जल्दी बताओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। हमेशा के लिए रानी की जिंदगी से दूर चले जाओ और तुम्हारा मनोज सहवास हटते ही मैं रानी के पास पहुंच जाऊंगा। मुझे यह भी मंजूर है। तुमने ठीक सोचा है मेरे बच्चे, मेरी यही सजा होनी चाहिए, मेरी यही सजा होनी चाहिए। तुम दोनों जहां भी रहो खुश रहो। रानी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। तुम रानी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। तुम रानी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। बाबू, जीते जी मर जाओ, मेरे दिल की हर धड़कन में तुम्हारे लिए नफरत, मेरे दिल की हर धड़कन में तुम्हारे लिए नफरत। हमेशा के लिए रानी की जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम रानी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। है कांटों से भी फूल की खुशबू आए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। हो सकता है सागर भी मीठा पानी बन जाए, दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। के जिसने धब्बे दामन के सब धो डाले, रो रो
के जिसने धब्बे दामन के सब धो डाले, ये हसरत रह गई उसकी कोई अपने पास बिठा ले। हो सकता है एक दिन आंसू भी मोती बन जाए। दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। हो सकता है कांटों से भी फूल की खुशबू आए। दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। कब इस दुनिया ने देखे अरमान किसी के दिल के, कब इस दुनिया ने देखे अरमान किसी के दिल के, क्या गर्ज किसे पहचाने तूफान किसी के दिल के। कुछ ऐसे भी आंसू हैं जो पलकों तक न आए। दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। हो सकता है कांटों से भी फूल की खुशबू आए। दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। हो सकता है सागर भी मीठा पानी बन जाए। दुनिया ना माने, दुनिया ना माने। रतनलाल के यहां से बोल रहा हूं। क्या बॉम्बे हॉस्पिटल? क्या कहा? एक्सीडेंट? डॉक्टर साहब, क्या हाल है मेरे मालिक का? मरीज की हालत खराब है, 5 घंटों से बेहोश है। बेहोश? बेहोश में लाने की कोशिश की गई डॉक्टर साहब? कोशिश कर रहे हैं। ये राजा कौन है? राजा क्यों? अगर वो आ जाए तो ये होश में आ सकते हैं। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। मैं उसे लाता हूँ, आप अपनी कोशिश बराबर जारी रखिए। ओके, ओके। तुम? क्या बात? मालिक का एक्सीडेंट हो गया है बाबू। हाँ, बहुत बुरी हालत है, अस्पताल में बेहोश पड़े। जल्दी चलिए मेरे साथ। मैं? क्यों? बेहोशी में उनकी जबान पर सिर्फ आपका नाम है। आप वहां पहुंच जाए तो वो होश में आ सकते हैं। वो होश में आए ना आए, मर जाए, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। ऐसे कठोर न बनो बाबू, ये एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस दुनिया में हर रोज अनगिनत इंसान मरते हैं, किसने देखे है? कौन जानता है किसको? ऐसे इंसान से तो किसी जानवर की जान बचाना ज्यादा बेहतर है। तुम इंसान ने किया? लगा जाओ, लगा जाओ। उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी हालत है। बेहोशी में राजा राजा पुकार रहे हैं। राजा को बुलाने गया था मगर वो इस तार ने ही शैतान ने उसने आने से इनकार कर दिया। वो इनकार नहीं कर सकता, मुझे उसके पास ले चलो गंगू दादा। मगर बेटा तुम्हारी हालत में इन बातों का वक्त नहीं है गंगू दादा, मुझे ले चलो। मैं कैसे मुझे ले चलो? अच्छा चलो चलो बेटा। रानी, रानी मर गई है। रानी मुझे हाथ मत लगाना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इंसान नहीं, एक पत्थर हो। तुम्हारे दिल में न रहम है न मोहब्बत।
कांटा जिंदगी भर तुम्हारे दिल में चुभता रहेगा। बहुत महंगा रहेगा ये सौदा। सौदा? हाँ हाँ सौदा। पढ़ लेना चिट्ठी को, शायद तुम्हारी सोई हुई इंसानी भी जाग उठे। चलो कांको दादा, चलो। रानी। चलो। रानी बेटा, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम। मैं वाकई अपने जमाने का एक शराबी जुआरी और एक खूनी हूँ। अपनी बुराइयों को तुम्हारी नजर से छुपाने की कोशिश तुम्हारी ही भलाई के लिए किया करता था। राजा के साथ तुम्हें सुखी देखकर मैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर लूंगा। मुझे आज मालूम हुआ कि राजा, जिसे मैं इतनी नफरत की नजर से देखता था, मेरा ही बेटा है। मेरा खून, जिसे तकदीर ने बचपन ही में मुझसे जुदा कर दिया था। बेटा, तुम ये बात कभी भी उससे मत कहना। तुम्हारा पिता बिहारी। बहुत शर्मिंदा। आंखें खोलिए पिताजी, देखिए मैं आ गया हूं। मैं आपका आपका राजा। आंखें खोलिए पिताजी। राजा? पिताजी एक बार फिर कहो राजा। पिताजी मेरे बच्चे, आज मेरे भटकते हुए दिल को शांति मिली। मैंने अपना खोया हुआ सुख फिर से पाया है राजा। नहीं नहीं पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। ये सब मेरे किए का फल था बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा ही काटता है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बाप का बोझ संभालने के लिए बेटा आ पहुंचा है। बोझ? हाँ बेटा, अपने लिए जीना भी कोई जीना, दूसरों के लिए जीने वाला ही इंसान कहलाता। मैंने रानी की मां को वचन दिया था और आज तक मैं उसका पालन करता आ रहा हूं। मगर अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है मेरे बेटे। पिताजी। मेरी बेटी, काश तेरी मां आज जिंदा होती। गंगू। जी मालिक। पुलिस को फोन कर। पुलिस? पुलिस? हाँ, मैं अपने गुनाहों का इकबाल करना चाहता हूँ। पिताजी इसके लिए तुम मुझे मत रोको। पिताजी अब मुझे किसकी कोई चिंता नहीं रही। मेरे बच्चों तुम मेरे करीब आओ, मेरे नजदीक आओ, मेरे नजदीक आओ बेटा। तुम दोनों जहां भी रहो, भगवान करे हमेशा हमेशा खुश रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो। तब इस दुनिया ने देखे अरमान किसी के दिल के।